असलमकुम कैसे हैं आप सब मैं ठीक ठाक अलहमदिल्ला और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे तो जी वेलकम आपको गुड़ियाज व्लाग में और मेरी सुबह का बहुत अच्छा आगाज़ हो चुका था सब कुछ करने के बाद सबको ऑफिस स्कूल भेजने के बाद मैं अपने चाय का मग लेके और गर्म गर्म चाय बबल्स वाली जो झाग वाली चाय होती मेरी फेवरेट है उसके साथ मैंने आपको बताया कोई ना कोई काम करती हूँ बच्चों के ये समर पैक्स चेक हो के आए थे तो ये इब्राहिम का है तो वो मैं देख रही थी कि कैसा चेक किया गया कैसे जहरे बहुत मेहनत से करवाए जाते हैं समर पैक तो माशाल्लाह ए डबल प्लस आया था इसका भी और बड़े बेटे का भी मुझे सर्टिफिकेट आया उसका समर पैक मुझे वापस नहीं आया था तो चाय के साथ कुछ ना कुछ मैं ज़रूर करती हूँ तो ये मैंने चेक किया उसके बाद मैं कहती हूँ कि उस बंदे को हमें मुझे मिल जाए ना जिसने ये मशीन बनाई है तो शायद मैं उसको सलेट पेश करूँ कि उसने हमारे लिए इतनी आसानी पैदा की है अल्हम्दुलिल्लाह फाइव इयर्स हो गए मुझे यूज़ करते हुए लेकिन जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ और बहुत उस आदमी का भला अल्लाह जिसने ये बनाई मशीन जिसका इतना अच्छा जहन चला और तो उल्टी सीधी चलती रहती हैं लोगों के दिमाग लेकिन ये जो ख़ुत के लिए सहूलत हो गई ना थम्स अप तो बनता ही है उसके लिए चलो हम अभी सल्यूट नहीं उसको कर सकते तो इससे इतनी सहूलत हो जाती है मेरे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों के बहुत ज़्यादा डेली कपड़े मुझे धोने पड़ते हैं अगर मैं वैसे धोती तो शायद वैसे काम ख़राब हो जाता मेरा कि मैं थक जाती तो डेली का बहुत मुश्किल हो जाता है तो मैं आपको दिखा रही हूँ आज एक नई चीज़ ये देखें मेरे लिए गिफ्ट आया है और गिफ्ट कहीं से आ जाए तो वो भी बर्तनों में कोई चीज़ आए तो औरत की तो ईद हो जाती है तो समझे मेरी भी ईद ही थी कि इतना प्यारा गिफ्ट मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया तो जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ स्पीड मेरा थोड़ा तेज़ कर दी ताकि आप लोग बोर ना हो लेकिन गौर से देखिएगा कितनी खूबसूरत चीज़ है सैलिड बॉल्स बा, हैं ये एक बड़ा सबसे बड़ा एक बाउल है ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में इतना बड़ा नहीं लग रहा है लेकिन हाथ में पकड़े में बहुत बड़ा है यानी कि अच्छे खासे खासी चीज़ें होंगी तो ये फुल होगा ये देखो सेम डिज़ाइन कि इसके बाउ छोटे वाले बाउल्स हैं वो भी अच्छे खासे बाउल्स हैं या प्यालियाँ या ऐसे नहीं हैं और इसके साथ दो चम्मच थे ये इतनी खूबसूरत चीज़ थी ये मैंने खुद शॉपिंग की हुई थी और ये काफ़ी दिन से मैंने अपने किचन के लिए लिया और जिसको आज मैं करने लगी थी किचन में सेट तो मैंने कहा आपके सामने अनबॉक्सिंग कर लूँ इसकी ये देखें ये मैं लेके आई थी इसमें मैंने मसाले रखने थे जो सूखे मसाले होते हैं सबत मसाले वो इतना खूबसूरत मुझे लगा बना हुआ ये देखें और इससे कवर एयर टाइट कवर हो जाता है उस उन मसालों में नमी भी नहीं आएगी ये दोनों चीज़ें मैंने आपको दिखानी थी अब मैं आ गई हूँ किचन में और आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला ये देखें मैंने अलायचियाँ इसमें डाल दी और ये बाद के फूल इसमें डाल दिए और जी इसमें मोटी इलायची मैंने एक में डाल दी तो जी अलग अलग जो डब्बे मैंने बनाए हुए थे तो, वो मैंने सारे आज खाली कर दिए थे और ये मैंने दालचीनी डाल दी इसमें मैंने अभी थोड़े थोड़े डाले हैं कुछ डब्बों में रख लिए हैं ताकि मैं देख रही थी इनमें स्मेल ना हो जाए एक दूसरे की और ये जी सुरख मिर्च जो होती है तड़के के लिए और ये तेज़ पत्ता जो होता है कड़ी वगैरह में बिरयानी वगैरह में डलता है और ये सब मैंने इसमें डाल दी और इतना प्यारा मेरा ये सज गया था ट्रे इसमें नमक मिर्च भी हम रख सकते हैं लेकिन मेरे पास वो ऑलरेडी बॉक्सेस मौजूद थे तो इसलिए मैंने ये वाली डाल ली तो अब मैं मुझे बताइए कि बीच में मैं क्या रखूँ कोई मसा कोई भी बताइएगा हाँ लौंग भी रख सकते हैं काली मिर्च भी रख सकते हैं इसके अलावा बताइएगा वो ऑलरेडी मेरे पास एक डब्बे में मौजूद हैं तो उसमें बताइएगा कि मैं इसमें क्या रखूँ तो जी ये हो गया था फुल पैक इसको मैंने रख दिया था अपने कैबिनेट में अच्छा जी आ जाते हैं आज की रेसिपी की तरफ बहुत आसान बहुत मज़ेदार रेसिपी ज़रूर तवज्जो से देखिएगा मटन है मेरे पास हाफ हाफ के जी और इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के खुश कर लिया था एक कुकर में मैंने लिया है ऑयल ऑयल में सबसे पहले आपने मटन को फ्राई करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑयल में कुछ भी नहीं डालना अच्छे तरीके से जब उसकी रंगत चेंज हो जाएगी तो दूसरी साइड पे एक तरफ आप उसको रख दें हल्की हीट पे फ्राई होने के लिए और दूसरी साइड पे आप मसाले इसके रेडी कर लें लहसुन अदरक का पेस्ट मैं बना के रखती हूँ इसमें पेस्ट बनाते वक्त सिर्फ आपने ऑयल डालना तो कभी भी ख़राब नहीं होगा और जी टमाटर हरी मिर्च ऐसे करके मैं फ्रिज में रखती हूँ ये देखें पानी कितना छोड़ा हुआ है गोश्त ने और अच्छा सा रंग चेंज हो गया एक वन टेबल स्पून जो होता है भर के आपने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालें अब इसको थोड़ी देर लसन अदरक के पेस्ट में हम इसको भून लेंगे इसकी भुनाई कर लेंगे तो इतना मज़े का मटन बनेगा आप यकीन करें कि बहुत मज़े का इस रेसिपी को आप अगर फॉलो कर लेते हैं ना तो आपके मेहमान ज़रूर आपकी तारीफ़ करेंगे क्योंकि आसान और मज़ेदार रेसिपी है तो जी इसके बाद जो भी मसाले डलते हैं ना एक साथ प्याज़ टमाटर हरी मिर्चें सूखे मसाले वो सब डाल के पानी डाल के हमने कुकर को वेट लगा देना है बंद कर देना है कुकर को और जी पंद्रह मिनट के लिए आपने इसको वेट लगाना है खोलने के बाद इसमें आलू डाल के फ्राई कर लिए थे और जी ये देखें मज़ेदार आलू गोश्त तैयार है देखने से आपको रंगत से खूबसूरती से पता लग रहा होगा कि वाकई मज़ेदार है और मैं उस टाइम हाथ में मोबाइल नहीं था जब मेरे बेटे माशा अलहमदिल्ला के बच्चे खुश हो के खा लेना तो समझे कि आपकी वो हो गई है कि वसूली हो गई है आपकी मेहनत की तो बहुत पसंद किया सब ने इतना मज़ेदार आलू गोश्त तो एक है भी फेवरेट सबका ही मेरे ख्याल में फेवरेट होता है बीफ़ का हो या मटन हो या चिकन हो आलू गोश्त मज़ेदार लेकिन शोरबा इतना पतला भी नहीं होता और मज़ेदार बनता है तो जी मेरे बच्चों को मैं ऐसे उनकी प्लेट्स रेडी करके उनकी टेबल पर रख देती हूँ अलहमदिल्ला वो ख़ुद खा लेते हैं तो जी शाम का खाना चल रहा था सब बच्चे और मेरे हस्बैंड हम सब ने खा लिया था खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार खाना था तो ये मुझे नेबर से आए थे बहुत मज़ेदार मतंजन जो कहते हैं जिसको बहुत मज़ेदार चावल थे और ये मेरे हस्बैंड बहुत शौक से मीठा खाते हैं और एक मेरा बेटा है वो बहुत शौक से खाता है तो जब मैं सबने खाना वगैरह खा लिया तो उसके बाद मैंने ये गरम करके सबको दिए और सब ने खाए शोरबे वाला सालन बने तो उसके साथ वैसे भी मीठा मैं बनाती हूँ घर में हमारे मेरे ससुराल में और मेरे घर में मीठा अक्सर ही बनता रहता है तो जब मैं आपको मिलवाती हूँ अपने छोटे बेटे मोहम्मद इस्माइल से वो इस वक्त अपना होमवर्क कर रहे हैं और वो आपसे खुद ही आज अपना तारफ़ अस्सलाम कर वालेकुम करो इस्लाम क्या नाम है आपका क्या नाम है आपका आपने एक ग्लासेस क्यों लगाई हुई हैं इसमाइल आंखें ख़राब हो गई हैं दिखाओ आंखें अपनी आंखें दिखाओ ऐन ये जी मेरा छोटा बेटा है मोहम्मद इस्माइल इसको स्कूल से कोई इन्फेक्शन जो आजकल आइज का इन्फेक्शन हो रहा है वो इसकी आंखों में हो गया है हर वक़्त कल से इसने आंखों में ग्लासेस लगाई हुई है घर में क्योंकि इसके दोनों के बड़े भाई भी हैं तो आप क्या, क्या मेडिसिन यूज कर रहे हो इस्माइल आईमॉक्स क्या नाम है इसका आईमॉक्स दिखाओ आईमॉक्स ये कौन लेके आया था आपके लिए बाबा इससे आपको फर्क हुआ है आंखों में कि नहीं अभी नहीं हुआ नहीं हुआ आप स्कूल गए थे कि नहीं 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 गए कि आपको इन्फेक्शन किस बच्चे से लगा आपको पता है स्कूल में आपके दोस्त को भी हो रहा है ये कोई बात नहीं आप इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे ठीक है आपने क्या लिखा है अपने रजिस्टर पे बताओ ये आपने लिखा है ज़रा हैंड राइटिंग चेक करें मोहम्मद इस्माईल की आपको सीधा करके दिखाती हूँ रजिस्टर अपने यहाँ से ये देखें ट्वेल्थ तक प्रे क्लास का स्टूडेंट है और इसने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन और ट्वेल्थ तक मुझे काउंटिंग लिख के दिखाई है घर पे तो जी सब बच्चों में आजकल ये इन्फेक्शन बड़ों में भी हो रहा है तो बच्चों को स्कूल ना भेजें और टॉवल में ना अलग किया हुआ साबुन अलग की हुई है क्लासेज़ लगवाती हूँ ड्रॉप्स डालती हूँ आप लोग भी अपने बच्चों का ख्याल रखें एहतियात करें बड़े भी और बच्चे भी तो जी ये था मेरा आज का ब्लॉग और बच्चों का ख्याल रखें दुआ कीजिएगा मेरा बेटा भी ठीक हो जाए तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा कल तक लिए दें इजाज़त अल्लाह हाफिज़